नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। कोरोना की दूसरी लहर के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम गहलोत ने रबी और खरीफ की फसली ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ा दिया है। रबी सीजन 2020-21 में वितरित फसली ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को देखते हुए ऋण अदायगी की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी गई है और इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 31 मार्च तक फसली ऋण लेने वालों को मिलेगा लाभ। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि महामारी के कारण किसानों को फसल सीजन रबी 2020-21 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक फसली ऋण लेने वाले लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। खरीफ का फसली ऋण 30 जून तक जमा करवा सकेंगे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ 2020 के अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली तिथि को 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक बढ़ाने के पूर्व में निर्देश दिए थे। इस संबंध में भी किसानों के हित में खरीफ 2020 के फसली ऋण चुकाने की तिथि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस संबंध में दिए गए निर्देशों के में भी ऋण चुकाने की तिथि में अधिकतम एक वर्ष की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाते हैं। खरीफ सीजन में लिए गए फसली ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक और रबी सीजन में लिए गए फसली ऋणों का चुकारा 30 जून तक करना होता है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हितों में लिए गए इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा।